हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। भाई, जो आज हमारी गाड़ी होने वाली रहेगी हमारी थार की 4x4 डीजल ऑटोमेटिक है। 2021 का ये हमारा मॉडल है। इससे पहले कि मैंने थार का पूरा डिटेल रिव्यू कर रखा है, इसमें ऐसा क्या खास है इसमें? भाई, टोटल जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो ये है कि इसमें पूरी ये गाड़ी मॉडिफाइड कराई हुई है। बिग आपके इसमें मैसिव अलॉय व्हील्स लगाए हुए हैं 20 इंचेस के। तो उसके बाद हमारा सस्पेंशन ट्रेवल पे क्या असर पड़ता है और हमारा एवरेज पेस पे क्या असर पड़ता है, उसके बाद वाइब्रेशन हमारी इस गाड़ी में होती है नहीं होती है, और टोटली हमारा जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न रहता है कि हमारा एवरेज एवरेज हमारा चेंज होता है हमारे अलॉय व्हील्स डलवाने से आफ्टर मार्केट या नहीं, तो इस वीडियो में वो डिटेल में इसके डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ये है फ्रंट प्रोफाइल। अभी तो भाई दिन में आपको इसमें पता ही लगेगा, इसमें अलॉय व्हील से अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि फ्रंट की आप देखेंगे DRLs भी लगे हुए हैं इसमें, और LED हेडलाइट से पूरा सेटअप हुआ हुआ रखा है इसकी फ्रंट प्रोफाइल का। और इसमें अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर और जो फुटवेल लाइट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे गाड़ी अब इग्निशन हम ऑन करेंगे ना, तो इसमें आपको सारी की सारी फुटवेल लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग आप देखेंगे डोर पे, वो सारी यहाँ पे आपको ऑन हो जाएंगी। लेकिन अभी भाई थोड़ा सा ये आपको डार्क में अच्छा फील कराएगी। देखो, जैसे ये जल गई ना, तो ये आपको डार्क में अच्छा फील कराएंगी, जैसे आपके AC वेंट्स पे एम्बिएंट लाइटिंग हो गई। और ये भाई जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना AC वेंट्स के अंदर, ये थार में ही अच्छी लगती है। ये तो भाई डार्क में आपको इस गाड़ी का जब मजा आ पाएगा। बाकी देखो, मैं आपको इसके DRLs और ऑन करके दिखाता हूँ। फ्लिप की हमें इसमें मिल जाती थी लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये आपके लाइट ओपन करने के लिए। ऑन रोड आपको ये 18 से 18.5 लाख की गाड़ी मिलती है। टॉप एंड वेरिएंट है भाई, ऑटोमेटिक डीजल। एक बार मैं इसके आपको DRLs ऑन करके दिखाता हूँ। तो भाई आपको शायद वीडियो में दिख रहा होगा, DRLs तो यहाँ मिल जाते हैं, बाकी आफ्टर मार्केट है। ये आप जो देख रहे हैं ना रिंग्स ही, जो इसमें LED सेटअप आपको मिल रखा है, और नीचे फॉग लैम्प भी इसमें एक्स्ट्रा लगवाए गए हैं, ये भी LED सेटअप में है पूरे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या भाई कि इसमें ना फ्रंट में आपको ये बम्पर पूरा का पूरा लोहे का लगवा रखा है। आवाज आ रही होगी, आवाज फील कर पा रहे होंगे, तो भाई बहुत ही सॉलिड। वैसी इतनी मैस्कुलर गाड़ी है यार, कहीं टक्कर मार दे तो सॉलिड इतनी बिल्ड क्वालिटी बना रखी है इसकी, और उसको ऊपर से भाई ने अपने लोहे का बम्पर लगवा लिया। तो भाई ऐसी गाड़ियों से तो जो थार वाले बंदे होते हैं ना, उनको मॉडिफिकेशन बहुत पसंद होती है, और वो मॉडिफाई कराने के लिए ऐसी गाड़ियां लेते हैं। तो फिर जो भी भाई रास्ते में चला, इनसे तो थोड़ा सा दूरी बना के चलें, बेशक ये 20 की स्पीड में क्यों ना चलाएं, किसी में हल्की सी भी टक्कर लग जाए ना भाई गाड़ी गाड़ी को नहीं छोड़ दी भाई, बंदे को तो क्या ही छोड़ेगी। तो इसका मैंने डिटेल्ड वॉक अराउंड अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर रखा है। साइड प्रोफाइल से मैं आपकी बात करूँ तो भाई ये है इसकी एक्चुअल में लुक। अभी मैं शूट कर रहा था यहाँ पे, कुछ लोग मुझे भाई बोल के गए हैं कि क्या बढ़िया गाड़ी का के लुक करवा रखी है आपने, मैसिव अलॉय व्हील्स लगवा रखे हैं भाई, बहुत ही अच्छे, और बहुत देखो बहुत अच्छे लगते हैं। 20 इंचेस के भाई इसमें अलॉय व्हील्स हैं। आपको चारों के चारों इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, नहीं एक बार मैं चेक करता हूँ। नहीं भाई, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। बाकी था कि बैजिंग 4x4 कन्वर्टेबल है ये गाड़ी, बड़ा आपको ORVM देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है इसका ORVM का। भाई अब मैं आपको इसकी कॉस्ट बताता हूँ। इसकी कॉस्ट ना आपको जो एलॉय व्हील्स, सिर्फ एलॉय व्हील्स की जो पड़ी है, पांच एलॉय व्हील्स की हमें कॉस्ट पड़ी है भाई, वो है 3.5 लाख की। तो भाई गाड़ी ली 18 लाख की, उसमें 3.5 लाख के तो भाई एलॉय व्हील्स हो गए। ऊपर से आप ये देखेंगे टायर की विड्थ, भाई कितने चौड़े टायर हैं। ऑफ रोडिंग की प्योर गाड़ी है, अगर कहीं भी ऑफ रोडिंग को लेके जाओगे ना, इसके जर्क्स और बम्प्स तो भाई ऐसे अब्जॉर्व कर लेगी गाड़ी, आपको फील भी नहीं होगा। वैसे सस्पेंशन ट्रेवल भाई देखो, इस गाड़ी में आते ही सस्पेंशन ट्रेवल इतना बढ़िया है। ऑफ रोडिंग की बेशक गाड़ी बनाई है, और ऊपर से आप इसमें मैसिव अलॉय व्हील्स भी लगवा लें। बाकी मैं आपको इसकी दिखाता हूँ प्रोफाइल। 285 विड्थ है भाई, 285 245 तो भाई सफारी फॉर्चुनर इनमें आती है। 285 विड्थ बाय 50 R20 20 इंच के अलॉय व्हील्स डले हुए हैं भाई इसके अंदर आपको। बाकी अब भाई ये होगी साइड से बात हमारी, अब एक बार मैं आपको रियर लुक और दिखाता हूँ। तो गाइस रियर की लुक है ऐसी, जो टायर भाई लग रहा है ना लगा हुआ इस पर, बहुत ही बढ़िया लगता है भाई। पर्सनली भाई मेरी भी ये ना चॉइस थी थार, बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने ये नहीं खरीदी। मुझे, मेरा हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है भाई, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। मुझे बल्क गाड़ियाँ और लंबी चौड़ी टाइप, जैसे सफारी फॉर्चुनर एंड आपका लैंड क्रूजर टाइप, ऐसी बल्कि गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं पर्सनली। मुझे ये जो गाड़ी पसंद आती है ना, मुझे बस इसमें बेसिकली ये ही जो मेरी मेन चीज़ है, टायर
और आपके अलॉय व्हील्स ये ज्यादा पसंद आते हैं। बाकी मैं आपको टायर की कॉस्टिंग बताऊँ पर टायर की, तो भाई 17,000 के इसमें आपको टायर्स जो है इनकी कॉस्टिंग है भाई, तो इसमें भाई 85,000 के जो टायर और प्लस 3.5 लाख के अलॉय व्हील्स, तो यही आपको 4,25,000 के, तो भाई यही मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी जो अंदर भाई एम्बिएंट लाइटिंग लगी है, शायद इसमें कुछ स्पीकर्स में भी कुछ चेंजेस मैंने देखे हैं, बाकी लगता नहीं हुए हैं लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी अंदर से, तो कहीं ना भाई गाड़ी आपकी 18 लाख की है और 1/3 मतलब उसमें 1/3 उसका 6 लाख तक का इसमें सामान लगा हुआ है। ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई हमारी, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर रियर के मिल जाते हैं, कैमरा भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको पुल करेंगे तो यहाँ से आपका डोर हाफ ओपन हो जाएगा और ये कन्वर्टेबल भाई ऊपर आपका, बाकी साइड से लुक जो आती है ना चलने में बहुत खतरनाक आती है। ये हो गया हमारा एंटीना भाई, एमहॉक की बैजिंग बढ़िया सी। तो जो आप भाई 170 की स्पीड तक भी गाड़ी को स्टेबल होकर चला सकते हो ना, वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी 100 से कम में ही बिगड़ जाएगी पूरी की पूरी। वही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है गाड़ियों के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा इन मैसिव अलॉय व्हील्स के अकॉर्डिंग। बट देखो चल लगती बहुत अच्छी है, अपने अपने शौक है। भाई से मेरी बात हुई, उसने कहा था कि भाई मैं इतनी स्पीड में चलाता नहीं हूँ, लोकली वो चलाते हैं 40-60 इसकी स्पीड में वो चलाते हैं भाई। तो डेफिनेटली अगर वो इतना इनका रन है और बेसिकली उनका जो रन है टोटल किलोमीटर्स का वो भी बहुत कम है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी तक उनको ऐसी कोई इसमें इसलिए फील दिक्कत नहीं आई है भाई, क्योंकि ना इन्होंने अभी तक कोई इतनी लॉन्ग ट्रिप पर लेके नहीं गए हैं और इतना इन्होंने तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं है, तो 40-50 में भाई कोई भी इशू नहीं आने वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई जो भी ऐसे अगर मैं अलॉय व्हील्स लगवाएंगे, किसी ने तो भाई 22 इंच के भी लगवा रखे हैं, तो डेफिनेटली भाई अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग लेके गए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने अभी तक कुछ फेस कराया या नहीं। और एवरेज तो भाई डेफिनेटली बिगड़ती है, अगर कहीं ना कहीं एवरेज लोकल में 11-12 का है इसका, तो कहीं ना कहीं 2-3 किलोमीटर का भाई इतना फर्क पड़ जाता है, तो आपको 9 से 10 का रह जाता है। 9 भी और लोकल में तो कहीं ना कहीं और भी डिप कर जाएगा, कहीं बिल्कुल ही आपका होता है ना कि बम्पर टू बम्पर अगर आप गाड़ी रन कर रहे हैं। बाकी ये है भाई पूरी बाहर से ओवरऑल लुक, डायमेंशन वगैरह प्रॉपर डिटेल मैंने सब भाई कवर कर रखी है, वहां से मैं आई बटन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हम इंटीरियर में भाई। इंटीरियर का इसका जो डोर है ना एक थार का बहुत ही तकड़ा है भाई, बहुत ही हैवी डोर है थार का भाई। ये देखो आप ORVM देखो भाई, मैसिव ORVM। पीछे की रियर की जो लुक आपको अगर कहीं एंगल भी देखना है, व्यूइंग एंगल जो है रियर का बहुत ही जबरदस्त है, इजीली आप गाड़ी देख सकते हो कौन सी हारी है कौन सी पास कर रही है, नहीं तो और गाड़ियों में बहुत छोटे छोटे भी देखने को मिलते हैं। बाकी ये भाई इंटीरियर लुक गाड़ी की बहुत जबरदस्त, थार लिखा जो आता है पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग का मजा देता है भाई। ये है आपका पूरा का पूरा, आपको यहाँ पे एनालॉग क्लस्टर देखने को मिल जाता है RPM रीडिंग और स्पीड रीडिंग के साथ, बीच में MID स्क्रीन में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सबसे अच्छा भाई मुझे लगता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, कितना एंगल से आपका भी टायर आपका स्प्लिट है, तो 40 डिग्री का भी स्प्लिट है, तो इसको हम घुमाएंगे तो 0 डिग्री पे हो जाएगा वो, सबसे अच्छा मुझे ये तरीका लगता है दिखाने का जो इन्फॉर्मेशन देता है ये। बाकी इसके थ्रू ना यहाँ पे आपको एक स्विच दे रखा है, उसके थ्रू MID स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो, इसमें सारे ही आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एवरेज और आपका ट्रिप लगा सकते हो आप इसमें कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, डिजिटल आप इसको स्पीड मीटर भी कर सकते हो, तो ये सब आपने स्क्रीन पे MID स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको भाई टिल्ट ही स्टेयरिंग कॉलम देखने को मिलता है, यहाँ पे सोर्स हो गया, इसके थ्रू आप इंफोटेनमेंट सिस्टम अपना भाई ऑपरेट कर सकते हैं, ये वॉल्यूम म्यूट करने के लिए, फोन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये आपका वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल रीसेट करने के लिए, और सेट अपना क्रूज कंट्रोल आप कर सकते हैं इससे। बाकी AC वेंट के अंदर है भाई, इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग ये आपको पिंक से दिख रही होगी, ये तो काफ़ी अच्छी लगती है रात में जलती हुई भाई। नीचे आपको फुटवेयर लाइट भी दिख रही होंगी, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। ब्रेक और एक्सेलरेशन, बाकी पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, मैनुअली RVM मिल जाता है। सेंटर कंसोल की बात की जाए तो इसमें आपको 7 इंचज की डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और आपका मीडिया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब आपको मोर देन अबव फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये इसके सारे मोड्स, इसके थ्रू आप ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं अपना इंफोटेनमेंट। और हाँ एक चीज़ यहाँ बताने भूल गया मैं आपको, यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ से आप MID स्क्रीन सेट कर सकते हैं सेंटर में, या आपको लोअर करनी है वहाँ पे, और इसके थ्रू बैक कर सकते हैं। हेडलैम्प लेवल ये मिल जाता है आपको,
और यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे लाइट मिल रखी है आपको, तो बहुत अच्छी भाई प्रीमियम लगती है रात में चलती हुई। ये आपका डोर ग्रैब हैंडल, नीचे आपका ये बॉटल होल्डर, सेंटर कंसोल में ये आपका एसी वेंट मैंने बता दिया था। यहाँ पे आपको मैनुअली भाई एसी मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नहीं मिलता देखने को। बाकी यहाँ पे आप एयर बैग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सीट बेल्ट वार्निंग के लिए, पार्किंग हजार्ड लाइट, 4x4 भाई हमारी ये गाड़ी है। यहाँ पे कुछ आप सामान रख सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड और मैनुअल, आप दोनों अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअली हैंड ब्रेक दे रखा है, 2 कप होल्डर, इसके थ्रू भाई अपना ये विंडो आप ऑपरेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट की। बाकी आर्म रेस्ट ही लगवाया गया है, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है आपको इसके अंदर, ग्लोव बॉक्स हो गया, काफी स्टोरेज जो है काफी कम है इसके अंदर, और ये आपका ग्रैब हैंडल हो गया। बाकी यहाँ पे सनशेड, फिर टिकट होल्डर एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ आपको ऑफर किया जाता है। रूफ लैंप आपको एलईडी में मिल जाती है। बाकी देखिए आप, यहाँ पे आपको भाई आर्म रेस्ट भी लगवाया गया, आगे 2 कप होल्डर। सो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में बेसिकली ये कवर करा है कि भाई इसमें एक तो हमने थार में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है, कितने तक की इस मॉडिफिकेशन करवा रखी है, और उस मॉडिफिकेशन से हमारा इस गाड़ी के अंदर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, यानी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। एम्बिएंट लाइटिंग आप इंटीरियर में कुछ भी छोटा मोटा टचअप करा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे बल्कि और गाड़ी का इंटीरियर एनहेंस होता है। लेकिन अगर आप अलॉय व्हील छिड़वाते हैं ना भाई गाड़ी की, और टायर विड्थ उसके अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको सस्पेंशन ट्रैवल के अंदर, आपको एवरेज के अंदर, आपको अलाइनमेंट के अंदर करना पड़ेगा। और जो गाड़ी के एनवीएच लेवल्स है ना, नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस जो होती है, वो कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी में फील हो जाएगी। अगर आप 80, 90 या 60 से ऊपर लेके जाएंगे तो वाइब्रेशन के साथ ना भाई और नॉइज अंदर की आने लगेगी, क्योंकि इतनी स्टेबल होकर गाड़ी नहीं चलती। और आपके जो इसमें फीचर आते हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो जाएंगे। तो एक अलॉय व्हील चेंज कराने से आपकी इतनी सारी चीजें गाड़ी के अंदर हैम्पर होती हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, काफी लोग इसको भाई मॉडिफिकेशन के लिए ही लेते हैं, थार एक अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है अपना अलग, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। भाई बहुत ही रेयर जाते हैं, ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं करते और रेयर ही गाड़ी चलाते हैं, और उसके बाद भी गाड़ी भी चलाते हैं तो 40-50 से ऊपर लेके नहीं जाते, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली करवा रखी है। तो उनको पता है भाई कि इतने मैसिव, वो खुद मुझसे कह रहे थे कि इतने मैसिव अलॉय व्हील्स मैंने लगवा रखे हैं, तो भाई पूरा इसका सस्पेंशन ट्रेवल तो बिगड़ा हुआ है, वाइब्रेशन हो गया गाड़ी में, फिर भी उन्होंने लगवाए, क्योंकि उनको पता था कि मेरा लोकल का ही है और उनको मॉडिफिकेशन भाई थार ही से ली थी, मॉडिफाई उनको गाड़ी करवानी है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो भाई डेफिनेटली आपको नहीं करवानी चाहिए। अगर आप करवाएंगे ना इस गाड़ी में, तो आपको ये सब सेक्रीफाइस देखने को मिल जाएगा, और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद फिर आपको वही दोबारा वही जो आपको कंपनी के अलॉय व्हील्स लगे हुए आते हैं, आपको वो लगवाने पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म में गाड़ी चलानी है। तो यही थी आज की भाई एक वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि इसका हम और डिटेल रिव्यू लेके आए इसी गाड़ी के ऊपर या नहीं, और कमेंट में ये जरूर बता दिए नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर शूट करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।